हम इस वक्त हैं तांदी में, जो कि जयराम ठाकुर का घर है, ये पुश्तैनी घर है। और आपको बता दें, यहीं से उन्होंने शुरुआत की, यहीं से वो स्कूल जाया करते थे। लेकिन परिवार उनका बिल्कुल सादा है। उनके एक भाई मिस्त्री हैं और एक भाई सिलाई करते थे। अब काफी हद तक वो अपने गांव में खेतों में ही काम करते हैं। हम यहाँ पे सीधा आए हैं, बातचीत कराते हैं जयराम ठाकुर के परिवार से कि कहाँ से एक आम जिंदगी से वो कहाँ एक बड़े पॉलिटिशियन बन गए हैं। उनके बड़े भाई हैं इस वक्त हमारे साथ में। सर आप बताइए कि परिवार में जयराम ठाकुर हैं, उनका क्या रोल है, और आप लोग अपने भाइयों में के बारे में बताइए कि कितने सादगी से आप लोग आगे बढ़े हैं। हमारा तो पहले से बड़े गरीबी रेखा से हम ऊपर उठे हैं, अभी भी हमें वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे में कोई फर्क है, परंतु जो हमारा फादर जी थे वो बहुत गरीबी उन्होंने देखी है। उन्होंने बहुत ऐसा संघर्ष किया गरीबी में कि बहुत ज्यादा, और उसी संघर्ष में हम भी आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद हमें 1994 में जब ठाकुर साहब पहली बार इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिशियन में अपना पांव रखा, उसके बाद 98 में ये विजयी हुई। कभी सोचा था वो सीएम? सीएम की तो हमारी कोई ये आशा भी नहीं थी, परंतु इतना जरूर था कि हमने जो 98 में हमने चुनाव जीता, उसके बाद हमें इतना ये था कि भाई एमएलए बन गए। पर आप ये बताइए कि बाकी आप दो भाई क्या करते हैं? हम दोनों भाई घर में रहते हैं। बड़े भाई हमारे ये कारपेंटरी का काम करते हैं, मैं तो पहले ये इसका कपड़े सीने का काम करता था। तो उसके बाद 98 के बाद मैंने कपड़े सीने का काम थोड़ा छोड़ दिया। तो अब खेतों में काम? अब उसके बाद हम अपने बगीचे बागवानी इसी में काम करते रहते हैं। तो ये है घर परिवार हम आपको बता रहे थे, और खास तौर पे जो सादगी है वो सीधा छूने वाली है। लेकिन घर परिवार चुनाव से दूर रहा है और खासतौर पर पॉलिटिक्स से दूर रहा है, पर इस बार चुनौती काफी ज्यादा है क्योंकि ये एक स्विंग स्टेट है। कई बार बीजेपी आती है और एक बार कांग्रेस आती है, तो इस बार क्या होगा वो देखने वाला ही होगा। लेकिन हम सीधा परिवार से बात करा रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, ठांगी आज तक।